पर टुडे मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूँ कलेक्ट्रेट परिसर के ठीक बाहर। कलेक्ट्रेट के अंदर मेरे साथ आप अपने टीवी स्क्रीन पर जिन लोगों को देख रहे हैं, ये लोग हमेशा कलेक्ट्रेट में दिखते थे, आम आदमी की समस्याओं को लगातार निदान करते थे। किसानों की समस्या हो चाहे आम आदमी की समस्या हो, इनके बगैर किसी का भी काम नहीं होता था। ये पिछले 10 तारीख से कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं, आज बात इसी की होगी। आप कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर क्यों? जी हमारा आंदोलन अपनी तीन मांगों को लेके है, जिसमें पहला है ग्रेड पे, दूसरा है सीपीसीटी की अनिवार्यता। ग्रेड पे क्या है? ग्रेड पे वेतनमान है। पहले पटवारी, आरआई, नायब तहसीलदार और तहसीलदार, चारों के वेतनमान एक सिस्टम से थे 2100, 2400, 2800 और 3200। एक दशक पहले तहसीलदार और नायब तहसीलदार को 3600 और 4200 में बिठा दिया गया, उनका ग्रेड पे 3600 और 4200 कर दिया गया। तब हम लोगों ने मांग की कि भाई 2800 और 3200 बीच में खाली हो गया है, 2800 पटवारी को दिया जाए और 3200 आरआई साहब को दिया जाए। दो तीन साल पहले आरआई को 2800 में बिठा दिया गया और पटवारी जहां थे आज से 22 साल पहले उसी ग्रेड पे आज भी बैठे हुए हैं। 22 साल का लंबा अंतराल हो गया, एक सिस्टम था, सरकार ने उस सिस्टम को तोड़ दिया। हम चाहते हैं उस सिस्टम को एक बार फिर बरकरार किया जाए। और साथ ही और भी कई मांगे हैं, और क्या मांगे? हम लोगों की प्रमुख जो मांगे हैं वो तो पहला ग्रेड पे का ही है, ये 2800 होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी मांग है, जो नए पटवारी हैं उनको गृह जिला से बाहर कर दिया गया है, जो 500-800 किलोमीटर की दूरी पर हैं, वो चाह मतलब उनको उनके गृह जिला वापस की नीति बनाई जाए, ट्रांसफर नीति बनाई जाए। और हाँ बताइए, और तीसरी जो है वो एक गृह जिले की बात करिए। गृह जिला में जैसे हमारे झाबुआ हो गए, भोपाल हो गए, रतलाम हो गए, इन सारे ज़िलों से आ करके रीवा में भी पटवारी बहुत पदस्थ हैं, जिनको बहुत सारी समस्या हो रही है, वो अपने घर से इतनी दूरी हैं। जी जी जी, मैं सा लंबे अंतराल में जिनकी लंबी जगह पर पोस्टिंग है उनको गृह जिले के आसपास पोस्ट किया जाए, ये पटवारियों की एक और महत्वपूर्ण मांग है। यहाँ पर और भी महिलाएँ भी हैं, महिला पटवारी भी हैं। ये बताइए, आप लोग जैसे कि 10 तारीख से आप लोग लगातार सड़कों पर हैं, अगर मांग नहीं मानी गई तो फिर क्या होगा? तो फिर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे, जैसा संघ कहेगा वैसा ही करेंगे। हम संघ के साथ हैं, जिस तरीके से संघ कहेगा हम उस तरीके से बात करेंगे। एक मांग आपकी और भी है जी, सीपीसीटी की मांग है, जो कंप्यूटर में टाइपिंग अनिवार्य कर दिया गया है। अधिकतर जितने हमारे साथी आए हैं वर्तमान स्थिति में सब कंप्यूटर में दक्ष हैं, और जो हमारी फीडिंग होती है उसमें स्पीड की आवश्यकता नहीं होती है, नाम फीड करता है, धीरे धीरे हो जाता है। इसमें सीपीसीटी को अनिवार्य कर दिया गया, टाइपिंग को, जिसकी आवश्यकता ही नहीं, पहले से ही आदमी कंप्यूटर में पटवारी दक्ष है। जब यहाँ पे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, जब आवश्यकता नहीं तो सरकार ने ऐसा किस वजह से किया? अब उनको लगता होगा कि टाइपिंग अनिवार्य है, जैसे बाबुओं के लिए टाइपिंग अनिवार्य है, पर बाबुओं की अपेक्षा पटवारियों की स्पीड से मतलब ही नहीं है। उनको तो अपने खसरे को अपडेट करना है, उसमें आवश्यकता ही नहीं स्पीड की। कंप्यूटर की बहुत ज़रूरत नहीं है, केवल हमको फीडिंग करनी है। फीडिंग कोई भी आम आदमी कर सकता है। छोटी छोटी मांगे हैं, सरकार इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। जैसे कि अभी आपके एक साथी ने ये कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं गई तो संघ जो भी निर्णय करेगा, हम तमाम यहाँ जितने लोग हैं संघ के साथ हैं, तो किस तरीके का निर्णय हो सकता है? अभी तो हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, जब तक हमारी मांगे निर्णय नहीं हो जाता मांगों का, तो हम लोग यहीं पंडाल में बैठेंगे, और लगभग पूरे प्रदेश में हर जिले में लोग बैठ रहे हैं पूरे प्रदेश में। अभी तक तो सरकार के जो रुख है सकारात्मक है, अब देखिए आज क्या होता है। सरकार का रुख सकारात्मक है, सरकार से बातचीत हो रही। छोटी छोटी मांगे, ऐसी कोई भी मांग नहीं है जो सरकार आसानी से पूरी नहीं कर सकती। सामान्यतः वही मांगे जो एक कर्मचारी की होती है, एक विधिवत तरीके से सरकार उन पर ध्यान दे। हमारी केवल इतनी मांगे, अगर हमारी मांगे मान ली गई तो हम कलेक्ट्रेट के अंदर एक बार फिर से पहुंचेंगे, अगर नहीं मानी गई तो एक अनिश्चितकालीन यह धरना, आगे जो भी संघ कहेगा उसका जो भी निर्णय होगा उसको हम लोग मानेंगे और लगातार धरने प्रदर्शन पर जारी रहेंगे। कुछ इस तरीके से कहना था पटवारी संघ का।